सो हाय फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। तो अब तक आपने देखा होगा कि हमने जो भी कंप्लीट किया है, जो भी अनसिमेट्रिकल कैपेसिटेंस, सिमेट्रिकल, सिंगल फेज, थ्री फेज, उन सभी में हमने किसी के भी लिए इफेक्ट ऑफ अर्थ, अर्थ की ट्रांसमिशन लाइन पे कौन सी इफेक्ट कैसे होती है और क्यों होती है, वो कुछ भी कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अर्थ की इफेक्ट भी ट्रांसमिशन लाइन पे होती है, डेट वी हैव टू कंसीडर। जब भी आप देखते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन कुछ हमारा ऐसा रहता है और यहाँ से जो इंसुलेटर पे कंडक्टर लगे हुए रहते हैं और ये हमारा ग्राउंड पे रहता है, तो इसके बीच में भी जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस बनता है उसकी इफेक्ट भी हमको कंसीडर करनी पड़ती है। वो कैपेसिटेंस के इफेक्ट के कारण क्या लाइन में जो कैपेसिटर और लाइन में जो करंट और चार्ज, उसके ऊपर भी कौन सी इफेक्ट आती है ड्यू टू दिस लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, वो भी हमको कंसीडर करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। द मेथड्स ऑफ इमेजेस किसने दिए, ये मेथड लॉर्ड केल्विन जो साइंटिस्ट है उसने डिराइव किए, इसीलिए इसको लॉर्ड केल्विन्स मेथड्स भी कभी कभी बोलते हैं। लेकिन उसका पूरा नाम, मतलब उसको हम मेथड्स ऑफ इमेजेस से डिनोट करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। एग्जाम में भी ऐसा लिखा है, लिख के आएगा कि मेथड्स ऑफ एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इमेजेस फॉर द कैपेसिटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं आपको सिंपल कूलम्स लॉ दिखा दूँ। तो कूलम्स लॉ में क्या रहता है, हमारा एक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में से जो फ्लक्स पास होता है और नेगेटिव चार्ज तक जाता है, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है और ऐसा एक्चुअली होता है भी है अंदर। वैसे पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स जनरेट होकर नेगेटिव चार्ज तक जाता है, और सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज़ हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट का यूज़ है, कैसा रहता है, जो कि हमारा चार्ज है वो हमारा ये वाला कंडक्टर है, उसको हम ले लेते हैं, उसमें से प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये प्लस क्यू चार्ज होने के कारण उसके आसपास जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उसका कुछ ऐसे रेडिएट होता है, फ्लक्स रेडिएट होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो फ्लक्स को रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करेगा, बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसके कारण क्या होता है, अभी मेथड्स ऑफ इमेजेस क्या कहता है कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये वाला ये हमारा कंडक्टर है, और अभी हमारा ग्राउंड है ये नीचे वाला, ये हमारा ग्राउंड है, ऐसा ले लेते हैं हम कि ये हमारा ग्राउंड है। तो अभी क्या होता है कि ये पूरा रेडिएट होके इधर से इधर जाता है, और इसके बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ वो। लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ये जो नीचे ये पूरा ग्राउंड है उसको हम एक फिक्टिटियस कंडक्टर, फिक्टिटियस मतलब वो एक्चुअली है नहीं, इन एक्चुअल कंडीशन वो है नहीं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर भी है, उसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस कंडक्टर। तो अभी आपने सेम देखा, ये प्लस चार्ज से फ्लक्स रेडिएट होता है और वो नेगेटिव में जाता है, तो सेम इधर से भी जो फ्लक्स रेडिएट हुआ वो ये हमारा नेगेटिव चार्ज में आता है, कुछ ऐसे ऊपर से नीचे, मतलब पूरे लाइन से ऐसे नीचे, ये है नहीं, ये हमने कंसीडर किया है, यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो इधर नीचे ग्राउंड के बीच और ग्राउंड तक आता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक फिक्टिटियस कंडक्टर लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ज़ीरो पोटेंशियल हुआ, और उसको बोल सकते हैं ज़ीरो पोटेंशियल एट सरफेस और प्लान, और इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ये हमारा ज़ीरो पोटेंशियल पे है। तो अभी जो मैं ये कंडक्टर निकाल दूँ, फिक्टिशियस कंडक्टर अभी हमारे उसमें है ही नहीं, सर्किट में है ही नहीं, ऐसा आप कंसीडर करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ से जो प्लस पॉजिटिव चार्ज में से जो फ्लक्स लाइन आती है वो इधर तक आती है, मतलब अर्थ, ये अर्थ सरफेस तक ही आती है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो जो मैं ये निकाल दूँ ना तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इधर तक अर्थ की सरफेस तक तो आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, और मतलब ये ज़ीरो पोटेंशियल प्लान है, इसके अलावा आप कुछ भी इधर बीच में रखोगे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, इधर मेटल प्लेट को कंसीडर करोगे तो भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, इसके कारण
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर जो भी सरफेस पे जो मेटल सरफेस और कुछ भी लिया होगा वो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, मतलब वो जीरो पोटेंशियल पर ही रहेगा। मतलब जो कि हमारा अर्थ सरफेस है वो हमारा जीरो पोटेंशियल पर रहेगा और उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। तो अभी आपने देखा होगा कि ये जो हमारा कंडक्टर, दो कंडक्टर है, एक अपर कंडक्टर एक लोअर कंडक्टर है, और ये दोनों सेम हाइट पे है। ये जो हाइट एच है वो एक जो ये कंडक्टर एल है वो ग्राउंड से एच हाइट पे है, और वो जो फिक्टिशियस कंडक्टर है वो भी सेम हाइट पे है। इसके कारण इसको मेथड्स ऑफ इमेज कहते हैं, क्योंकि ये दोनों की हाइट सेम है। ये उसका ये नीचे वाला जो पार्ट है वो इसका मिरर इमेज है, इसके कारण इसको मेथड्स ऑफ इमेज कहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि इसको मेथड्स ऑफ इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली है नहीं, इसको हम मिरर इमेज की तरह कंसिडर करते हैं। आई होप अप टिल दिस यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो जो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा, तो आपको डेरिवेशन में नहीं पता चलेगा, तो पहले आप प्रॉपरली ये देख लो कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया है। जो नहीं पता चला तो फिर से एक बार देख लो, इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो लेट्स टेक अ डेरिवेटिव पार्ट। तो अभी हम लेते हैं कि कैपेसिटन्स, ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटन्स ऑफ सिंगल फेज लाइन। तो ये हमने पहले कंसीडर करके रखा है, पूरा डेरिवेशन भी है जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस, मतलब कि जो कैपेसिटेंस की कौन सी इफ़ेक्ट आती है वो उसके साथ हम देखेंगे। तो पहले तो दो दो लाइन था, दो लाइन कंसीडर कर लेते हैं। प्लस चार्ज कंटेन करता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ये क्यों प्लस माइनस, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था उस वाले वीडियो में। तो जो भी हमारा जनरेटर है सिंगल फेज है, तो ये एक फेस रहेगा, ये एक न्यूट्रल रहेगा। ये हमारा लोड है, तो ये यहाँ से अंदर आएगा, अंदर की और लोड की तरफ जाएगा, और यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इसको हम प्लस क्यू लेते हैं और इसको हम नेगेटिव क्यू लेते। दिस इज़ वाई दिस इज़ अ प्लस क्यू एंड दिस इज़ अ नेगेटिव क्यू। अभी क्या करते हैं, अभी आप ये मेथड देखो, तो उसमें ये पूरा ज़ीरो पोटेंशियल। तो ये हमारी लाइन है सिंगल फेज लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो इसके नीचे हमको अभी फिक्टिटियस कंडक्टर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम ले लेते हैं दो कंडक्टर जो कि एक्चुअल सर्किट में है नहीं, फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब बनावटी, जो एक्चुअल है नहीं, उसका डिक्शनरी मीनिंग बनावटी होता है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू रहेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आपने देखा तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इधर से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो अप टिल दिस नेगेटिव पार्ट तक जाएगा। इधर से जो पॉजिटिव क्रिएट होगा वो ये नेगेटिव पार्ट तक जाएगा। दिस इज़ वाई दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड दिस इज़ अ नेगेटिव। तो अभी हम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इससे इतना डिस्टेंस हमारा डी है और ये हमारी हाइट है, ये नीचे भी हाइट है, दोनों हाइट सेम रहेगी। अभी हमने देखा कि दोनों हाइट वो मिरर इमेज है। तो आप कैसा बोल सकते हो कि ये दो है वो हमारे रियल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज जो सर्किट में है वो, और ये जो नीचे दो है वो इमेजिनरी चार्ज है। आप उसको इमेजिनरी चार्ज बोल सकते हो क्योंकि वो है नहीं, लेकिन हमने कंसीडर किया है ये इमेजिनरी चार्ज। तो अभी ये एच डिस्टेंस, ये एच डिस्टेंस, तो टोटल इधर से इधर डिस्टेंस कितना रहेगा, तो वो हमारा 2h हो जाएगा। ऐसे 2h लिख दूँ मैं, तो पूरा ये माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस हमारा 2h होगा, और उसके साथ इधर से इधर का डिस्टेंस भी हमारा d रहेगा। लेकिन इधर से इधर का डिस्टेंस और इधर से इधर का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम पाइथागोरस लगा के फाइंड कर सकते हैं। इधर ये 2h है तो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ये 2h है हमारा और ये हमारा d है, तो ये कितना हुआ, तो a b c। तो पाइथागोरस सिंपली लगाए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो हमारा अंडर रूट ऑफ फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यों अंडर रूट ऑफ फोर, बिकॉज इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन अंडर रूट कुछ ऐसा मिलता है। तो ये हमारा इधर से इधर का डिस्टेंस हुआ फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप अप टिल दिस यू अंडरस्टैंड। और अभी इस चार्ज को ए बी
ये जो कंडक्टर है उसको ए बी ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी वी ए बी वोल्टेज एक्रॉस ए बी वो कैसे मिलेगा? तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, आपने वो देखा होगा आगे वीडियो में कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन मैंने पहले भी आगे के वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, 1/2 पाई के। इसके अलावा आप एप्सिलॉन जीरो का भी यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और क्यू ए मतलब चार्ज फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, ए वाला कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो होगा वो एल एन। अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर, तो डी ए बी डिवाइड बाई डी ए ए मतलब इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं आर, सभी की रेडियस सेम है तो ये डी ए ए हमारा आर रहेगा, प्लस क्यू बी इसका चार्ज क्यू बी एल एन। अभी इसका उल्टा डी बी बी मतलब जो आर रहेगा रेडियस, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर आर, और डिस्टेंस बिटवीन दिस बी टू ए तो डी बी ए। अभी इसका ले लेते हैं, अभी इसके लिए माइनस, तो अभी इसके लिए माइनस चार्ज है लेकिन अभी हम इसको क्यू ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस चार्ज, तो दैट विल बी क्यू ए डैश एल एन। अभी डिस्टेंस इधर से इधर का डिस्टेंस, तो 4h² + d² डिवाइड बाय इधर से इधर का डिस्टेंस दैट इज 2h, तो वो हमारा 2h हो गया। अभी क्या करते हैं, प्लस क्यू बी डैश, क्यू बी डैश क्या होता है, इसका उल्टा, पूरा उसका उल्टा ही लिख देने का, इसमें जो इसका उल्टा आता है क्यू ए डैश में, क्यू बी डैश में इसका उल्टा आ जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों उल्टा है एक दूसरे से, तो ये 2h हो जाएगा और ये इसका उल्टा 4h² + d² तो आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। तो अभी फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो सॉल्व करते हैं, तो वी ए बी, वी ए बी 1/2 पाई के क्यू ए एल एन, डी ए बी क्या है, डी ए बी हमारा डी है, और डी ए ए क्या है, हमारा आर है, ये जो डी ए है वो हमारी रेडियस है, रेडियस सभी कंडक्टर के लिए सेम कंसिडर की है, डी बी बी क्या है, हमारी रेडियस है, और डी बी ए क्या है, बी टू ए का डिस्टेंस, बी टू ए का डिस्टेंस भी डी है, तो दैट इज़ ऑल्सो रिमेन सेम। तो आपने देखा इसका उल्टा है, सेम क्यू ए डैश और क्यू बी डैश दो तो मैंने पहले ही लिख ही दिया है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो क्यू ए डैश एल एन अंडर रूट 4h² + d² डिवाइड बाई 2h प्लस क्यू बी डैश एल एन 2h अंडर रूट ऑफ 4h² + d², तो ये हमको कुछ मिला था वी ए बी। ये पूरा इक्वेशन, ये इक्वेशन बुक में डायरेक्टली दिया होता है, कैसा भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इक्वेशन आया। तो इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, तो अभी आपने देखा तो ये चार्ज है, जो इसका चार्ज है उसको हम पॉजिटिव क्यू लिए हैं, इसको नेगेटिव क्यू लिए, ये हमारा नेगेटिव क्यू है और ये हमारा पॉजिटिव क्यू है, तो इसके हिसाब से हम इसमें चेंज कर सकते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में कैसा चेंज आएगा, तो 1/2 पाई के तो सेम रहेगा, क्यू ए हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एल एन डी डिवाइड बाई आर, प्लस क्यू बी क्या है, क्यू बी हमारा नेगेटिव चार्ज है, क्यू बी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा एल एन डी आर डिवाइड बाई डी। क्यू ए डैश क्या है, क्यू ए डैश भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस क्यू एल एन अंडर रूट ऑफ 4h² d² डिवाइड बाई 2h। क्यू बी क्या है, वो भी हमारा नहीं, वो हमारा अभी पॉजिटिव है, यहाँ देख सकते हो वो हमारा अभी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं एल एन 2h अंडर रूट 4h² + d². तो अभी ये तो सिंपली क्या हुआ, हमारा सिंपल सॉल्यूशन है, तो वी ए बी इज इक्वल टू 1/2 पाई के। तो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव में से ये क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा एल एन डी आर प्लस, अभी इसमें से क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो एल एन डी आर प्लस एल एन 2h अंडर रूट ऑफ 4h² + d² रहेगा, तो एल एन ए प्लस एल एन बी को क्या लिख सकते हैं, एल एन ए इंटू बी लिख सकते हैं,
तो एल एन इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं डी बाय आर इंटू 2h अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर डी स्क्वायर। से माइनस क्यू कॉमन निकाले तो उसके माइनस क्यू को कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा, ये दो बचेगा वो भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा बिकॉज माइनस क्यू निकल जाएगा तो ये दोनों एडिशन में हो जाएगा। एल एन आर डिवाइड बाई डी प्लस एल एन आर डिवाइड बाई डी इंटू अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर डी स्क्वायर कुछ ऐसा मिलेगा हमको। आप मेरे साथ में कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, तभी इसके साथ फर्दर कैलकुलेट करें तो ये क्यू बाहर ले लेते हैं। अभी क्या है हुआ, ये एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या रहता है हमारा, एल एन ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी कुछ ऐसा रहता है। तो हम एल एन ए डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं डी बाई आर इंटू 2h अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बाय डी इंटू अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2h। तो कुछ ऐसा हमारा इक्वेशन आएगा। अभी इसको फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, क्यू अपॉन 2 पाई के एल एन डी बाय आर इंटू 2h अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पूरा ये वाला टर्म है, अभी ये डी और 2h ऊपर चले जाएंगे, डी और आर और 2h, इट इज़ अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल पार्ट। तो ये डी ऊपर चला जाएगा, 2h भी ऊपर चला जाएगा और ये तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो क्यू अपॉन 2 पाई के एल एन डी बाय आर और डी बाय आर का पूरा होल स्क्वायर ले लेते हैं। अभी 2h का होल स्क्वायर, ये 2h 2h का होल स्क्वायर और अभी उसका स्क्वायर, तो ये क्या है अंडर रूट इस 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम ए कंसिडर करें तो ये अंडर रूट है और ये दूसरा अंडर रूट है, तो अंडर रूट है इंटू अंडर रूट है क्या होता है, ए होता है, तो इसको क्या होगा 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। और ये बस इतना मिलेगा। अभी इधर से हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, कैसे लेते हैं वो हम एल एन अभी डी बाई आर 2h और इसको अंडर रूट कर देते हैं, तो इससे कारण हमको इधर स्क्वायर मिलेगा बिकॉज ये स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, इधर इधर स्क्वायर नहीं था इसके लिए इसका अंडर रूट हो गया। अभी ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2q अपॉन 2 पाई के एल एन डी इंटू एच डिवाइड बाई आर अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कुछ ऐसा रहेगा। अभी 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 कैंसिल होने के बाद हमको जो मिलेगा वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई के एल एन 2dh डिवाइड बाई आर अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि यही इक्वेशन आता है कि नहीं पूरा सॉल्यूशन के बाद, तो यस वी आर राइट, पूरा सेम यही इक्वेशन आता है बुक में जो आप पूरा सॉल्यूशन करोगे। तो ये हमको वी ए भी मिला। तो अभी सिंपल क्या आता है, सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, सो वोल्टेज इज इक्वल टू, और यू कैन से क्यू, अभी हमको सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्या है, सॉरी इसमें सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी नहीं आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी आएगा। ये मैंने मिस्टेक सिंगल फेस में भी की थी, लेकिन मैंने वो भी एक बार मिस्टेक की थी, वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन वहाँ भी मैंने मिस्टेक की थी। और क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये फॉर्मूला मुझे अभी याद रखनी पड़ेगी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी कुछ ऐसा आता है, मतलब क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी एंड सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो अभी सी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए बी ऐसा लिख सकते हैं हम, तो वी ए बी हमको मिल गया है। तो सी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये पूरा क्यू अपॉन पाई के एल एन 2dh अपॉन आर, ये पूरा इक्वेशन 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अभी ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, पाई के ऊपर चला जाएगा और हमको लास्ट में सी ए बी मिलेगा, वो हमारा पाई के अपॉन एल एन 2dh अपॉन आर अंडर रूट 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा हमारा सी ए बी। और सी एन इज इक्वल टू 2 सी ए बी, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे आता है, वो आगे के वीडियो में आप देख लेना। सिंपली सी एन जो न्यूट्रल के साथ जो कैपेसिटन बनता है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस होता है, मतलब
Cn is equal to 2 pi k divided by ln 2 dh upon r under root 4h square plus d square. कुछ ऐसा equation मिलेगा हमको Cn का. I hope you understand this video properly. मैंने पूरा ये explain किया है, ये किसी book में नहीं दिया होगा. Thanks for watching this video. जो आपको video अच्छा लगा हो तो like और subscribe कीजिए. कोई भी आपको ऐसे topic में doubt हो तो उसको comment कर दीजिए तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उसके हिसाब से भी video आगे बनाता रहूँगा. So thanks for watching.